हाँ गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आशीर्वाद का अट्टा बना रहा है, रोटी बनाएगा आशीर्वाद का। कभी कभी हम लोग रोटी बना के खाते हैं। देख रहे अभी खुलेगा पॉकेट आशीर्वाद का, इसे थोड़ा डालो। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाएगा, रोटी रोटी खाएगा। देख रहे ना रोटी बनो आज मॉर्निंग को। बेकिंग पाउडर आटा गूंदने से पहले सुखा में बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर डालने से अच्छा फूलता है और जल्दी पकता है। आप लोग डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हैं बेकिंग पाउडर। ये देख रहे हैं बेकिंग पाउडर, हम तो डालते हैं थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इतना सा डालना चाहिए। देख रहे हो गया, ऐसे गूंदना है पानी डाल के। देख रहे गूंदने के बाद पॉलिथीन में डाल के ऐसे गूंदने के बाद एक गूंद लिया ना, ये इसके बाद थोड़ी देर रखने हैं पॉलिथीन में डाल के रखने हैं। ऐसे ऐसे डाल के रखो क्योंकि रोटी बनाने के लिए अच्छा होगा। थोड़ी देर रखने हैं छिलके डालेगा ग्रीन पी। देख रहे ग्रीन पी, ये मटर ग्रीन मटर ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए। विंटर सीजन में ये मिलते हैं ना, जलते ही हम लोग ग्रीन पी सब्जी ये बनेगा। देखो ग्रीन पी के साथ आलू देने से अच्छे है इस तरह पोटैटो आलू आलू छिलका उतरने। हाँ थे देखो आलू इस तरह छिलका उतर के पकाना है, आलू और ग्रीन पी पकाना है। आलू दो तीन चार पीस है, देगा दो तीन पीस है कि नहीं। इसी तरह छिलका उतरना है रोटी का सब्जी। आज आलू आलू और ग्रीन पी बनेगा, मिक्स करने से अच्छा होता है। देखो आलू काट के पकड़ रहा है, नमक डाल दिया, पका के फिर सब्जी बनेगा। देख रहे आलू पका दिया और ग्रीन पी धो रहा है, साफ कर रहा है ग्रीन पी। देख रहे हैं ये है ग्रीन पी, हरी हरी मटर हरिया मटर ये मेन तो ये और आलू मिक्स करना है, अच्छा होता है। धो रहा है ठीक है, देख रहे ना मटर भी पकाएगा, अलग से पकाते हैं हम लोग मटर ग्रीन पी ना। ग्रीन मटर पकाएगा, पका रहा है गैस लगा के, आलू भी पका रहा है। पकाने के बाद थोड़ा पक जाएगा तो सब्जी बना देगा। देखो अभी मटर पक गया मटर, अभी गैस ऑफ करेगा सब्जी बनाएगा। आलू भी पक गया मटर भी पक गया, टमाटर थोड़ा जल्दी बनाना है। टमाटर को मटर आलू पक गया, धनिया भी डाल दिया, धनिया जिंजर और गार्लिक भी डाल दिया। उसके बाद ये मटर आलू पका के रखा है ना, ये भी डालेगा। टमाटर ग्रेवी बनाएंगे, टमाटर ग्रेवी बनाएंगे। टमाटर को ग्रेवी हो गया, अभी आलू पको, आलू को डाल दो, आलू को डाल दो। नरम हो गया ना, हमें पक गया ना, तो कलरी ग्रेवी ग्रेवी का ऐसा बनाना है। वो आलू भी ग्रेवी का ऐसा बन गया, थोड़ा तो दिया छोटा छोटा बना दिया। अभी ग्रीन मटर डालेगा,
हरी मटर भी अलग से पकाएँ, वो भी काट दिया पहले से पकड़ के रखा है ना, अभी धनिया डालेगा। ये है रोटी का सब्जी कंप्लीट हो गया। रोटी का सब्जी है, रोटी के साथ खेलना सब्जी। ये है अभी धनिया भी डाल देते हैं। अभी ये हो गया पूरा सब्जी, रोटी का सब्जी, रोटी के साथ खाने के लिए सब्जी। अभी रोटी बना रहे सामने, रोटी ऐसे बनाते हैं। सब्जी तो हो गया ना, अभी सब्जी तो बना लिया, अभी रोटी बना रहे, देख रहे ना रोटी। में डालना है हॉट केस में डाल के बंद कर देंगे, जैसे पक जाएगा। रोटी भी फूल गया, अभी देखो दूध डालो, जो अभी खत्म हो गया था थोड़ा सा बनेगा रोटी, पानी थोड़ा कम हो गया, पानी थोड़ा डालेगा, चाय पत्ती डालेगा। बटर टी का चाय में चीनी चाय पत्ती डाला, लेकिन चाय पत्ती अलग सा होता है बटर टी का। लास्ट मेरा वो चाय पत्ती जो नहीं था ना, अभी ब्रेकफास्ट के साथ तो चाहिए। हम लोग बटर टी पीते हैं रोटी के साथ। ऐसे अभी बटर नमक थोड़ा डालेगा, नून थोड़ा, चुटकी भर नून थोड़ा डालेगा, थोड़ा सा डालें। अभी उबलने के बाद, कलर निकलने के बाद बटर डालेगा। बटर अभी बटर टी भी हो गया, अच्छे से उबलने देगा, उसके बाद हो गया। थैंक यू। अभी मैं ये खाने के लिए तैयार है, खाने के लिए। पहले भगवान और माँ को चढ़ाता है, भगवान को चढ़ाएगा, ठीक है। पहले भगवान को चढ़ाएगा, मेरा भगवान रुद्र लामा हमारा गुरु जी को चढ़ाता है इस तरह से रोटी। भगवान इस तरह से रोटी चढ़ाता है मेरा भगवान लोग को, रुद्र लामा मेरा गुरु जी ऐसे को चढ़ाता है। उसके बाद माँ को सेवा करके माँ को देता है, देख रहे, माँ को देता है। इसके बाद माँ को चढ़ाएगा, ये है चढ़ा दिया। अभी सब्जी देगा माँ को, सब्जी ये भगवान के बाद मेरा माँ को चढ़ाना है सब्जी। देखो माँ मेरा माँ को चढ़ाता है, उसके बाद हम लोग खाएगा, देख रहे।